हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने अदर देन डोमेस्टिक या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की ऑनलाइन एप्लीकेशन को सिंपल और मॉडिफाई कर दिया है। HPSEBL की वेबसाइट पर आप कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। न्यू कनेक्शन के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन के लिए टैरिफ कैटेगरी और डिटेल्स ऑफ चार्जेस भी आप यहां क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अदर देन डोमेस्टिक कनेक्शन या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए सबसे पहले ANA फॉर्म डाउनलोड करें जो अदर देन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है। ANA फॉर्म में लास्ट टू पेजेस टेस्ट रिपोर्ट है जिसे वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर को भरना है। आप ANA फॉर्म को भर लें जिसे आप 50 रुपीज या उससे ऊपर के क्रॉस्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ मर्ज करके अपलोड करेंगे। गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस का चेकबॉक्स मार्क करें। अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कमर्शियल कनेक्शन के लिए कनेक्टेड लोड 20 किलोवाट तक है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जनरली कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या शॉप या फिर छोटे स्केल के बिजनेस के लिए आप कनेक्टेड लोड 20 किलोवाट तक सिलेक्ट करें। अगर कनेक्टेड लोड या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 20 किलोवाट या 20 किलो वोल्ट एम्पेयर से लेकर 100 किलोवाट या 100 किलो वोल्ट एम्पेयर तक है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो एक बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन या लोड ज़्यादा है। अगर कनेक्टेड लोड या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 100 किलोवाट या किलो वोल्ट एम्पेयर से ज़्यादा है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो एक बहुत ही बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। आप कनेक्टेड लोड या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंडर डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट पर्पस ऑफ कनेक्शन में टाइप ऑफ कनेक्शन अदर देन डोमेस्टिक सेलेक्ट करें। कैटेगरी में टैरिफ टाइप सेलेक्ट करें। टैरिफ टाइप आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जिस पर्पस के लिए आप सप्लाई ले रहे हैं उसे सेलेक्ट करें। शॉप या छोटे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कमर्शियल सप्लाई सेलेक्ट करें। सब कैटेगरी सेलेक्ट करें। जिस प्रेमिसेस के लिए आप कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल करवा रहे हैं उसे सेलेक्ट करें। कंज्यूमर टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। अंडर एप्लीकेंट्स इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट के लिए टाइटल सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करें। एप्लीकेंट के फादर या गार्डियन का फुल नेम टाइप करें। एप्लीकेंट का आधार नंबर टाइप करें। एप्लीकेंट का पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर टाइप करें। ये मैंडेटरी है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट की एज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। एप्लीकेंट की ईमेल आईडी टाइप करें। एक्टिव और करेक्ट ईमेल आईडी टाइप करें। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दी गई मेल आईडी पर भी रिसीव करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। रिसीव किए गए ओटीपी को टाइप करें और ओटीपी वेरीफाई करें। अंडर एड्रेस इंफॉर्मेशन लोकेलिटी सेलेक्ट करें। अगर हाउस, फ्लोर, फ्लैट या सेट नंबर है तो टाइप करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। बिल्डिंग नेम या नंबर टाइप करें। सेक्टर, कॉलोनी या स्ट्रीट का नेम या नंबर टाइप करें। अपनी सिटी या टाउन या विलेज का नाम टाइप करें। अपना लैंडमार्क टाइप करें। अगर आपका एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर है तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो। अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और पिन कोड टाइप करें। अपना HPSEBL सब डिवीजन सेलेक्ट करें जहां आप कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल करवा रहे हैं। उस प्रेमिसेस का डिस्क्रिप्शन आप यहां दे सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ रूम्स, फ्लोर्स एट्सेट्रा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। विटनेस कंज्यूमर आईडी टाइप करें। आप जहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल करवा रहे हैं उस एरिया में अपने किसी पड़ोसी से इलेक्ट्रिसिटी बिल लें और बिल में मेंशन्ड
कंज्यूमर आईडी को उनकी परमिशन लेकर एज अ विटनेस कंज्यूमर आईडी टाइप करें। विटनेस कंज्यूमर आईडी वेरीफाई होने के बाद स्टेप 2 पर क्लिक करें। अंडर कनेक्शन एंड लोड डिटेल्स लोड आइटम्स ऐड करें। लोड आइटम्स जैसे पावर सॉकेट्स, लाइट पॉइंट्स, फैन पॉइंट्स एट्सेट्रा आप वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। जितने भी लोड आइटम्स टेस्ट रिपोर्ट में मेंशन्ड हैं उन्हें ऐड करें। लोड आइटम सेलेक्ट करें। आइटम लोड ऑटोफिल हो जाएगा, क्वांटिटी टाइप करें। टोटल लोड ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, सेव पर क्लिक करें। इस तरह से लोड आइटम सेलेक्ट करें और ऐड करें। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड टोटल अप्लाई लोड के अकॉर्डिंग ऑटोफिल हो जाएगी और टैरिफ कैटेगरी जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग प्रीफिल्ड रहेगी। सप्लाई वोल्टेज वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। अंडर वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर का फुल नेम टाइप करें। वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस की क्लास और नंबर टाइप करें। लाइसेंस की वैलिडिटी सेलेक्ट करें। अंडर एडिशनल डिटेल्स जिस दिन आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपने प्रेमिसेस में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट करें। नंबर ऑफ शिफ्ट्स टाइप करें। जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप इंस्टॉल करवा रहे हैं उसके अंडर आप अपने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट या शॉप में जितनी शिफ्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उसे मेंशन करें। जैसे अगर आप डे शिफ्ट में काम करेंगे तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स में 1 टाइप करें और अगर आप 2 या 3 शिफ्ट्स में काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नंबर टाइप करें। स्टेप 3 पर क्लिक करें। अंडर अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो PDF में हो और साइज 1 MB से नीचे हो। अगर आपने शॉप या कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट किराए पर लिया है तो उसकी सेल या लीज डीड का साइज 5 MB तक हो सकता है। एप्लीकेंट के सिग्नेचर JPEG या PNG में 20 KB से नीचे हो और सिग्नेचर इमेज का रेजोल्यूशन 160x60 पिक्सल्स हो। इसके लिए आप इमेज रिसाइजर की हेल्प ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट ब्राउज करें और अपलोड करें। A&A फॉर्म के साथ 50 रुपीज़ या उससे ऊपर कॉस्ट का क्रॉस्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एक सिंगल PDF में मर्ज करके अपलोड करें। एप्लीकेंट का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करें। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड में से कोई एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑन ऑक्यूपेंसी में आप लैंड, बिल्डिंग या प्रेमिसेस के रेवेन्यू पेपर्स या जमाबंदी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में कनेक्शन इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप सेल या लीज डीड भी अपलोड कर सकते हैं या फिर लैंड, बिल्डिंग या प्रेमिसेस के पोजेशन या ऑनरशिप का कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसे भी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑन ऑक्यूपेंसी में अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट के सिग्नेचर ब्राउज करें और अपलोड करें। मेक श्योर साइज 20 KB से नीचे हो और फॉर्मेट JPEG या PNG में हो। सिग्नेचर इमेज का रेजोल्यूशन 160x60 पिक्सल्स में होना चाहिए। इसके लिए इमेज रिसाइजर की हेल्प लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी दी गई डिटेल्स को चेक करें। अगर कोई मिस्टेक है तो करेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अपनी कंज्यूमर आईडी और सर्विस ऑर्डर नंबर नोट कर लें। क्लिक हेयर पर क्लिक करके सबमिट हुए A&A फॉर्म को डाउनलोड कर लें। आप A&A फॉर्म दी गई ईमेल पर भी रिसीव करेंगे। डाउनलोड किए गए A&A फॉर्म को प्रिंट कर लें और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कंसर्न HPSCBL सब डिवीजन में दें। अदर देन डोमेस्टिक या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के चार्जेस आप HPSCBL सब डिवीजन के काउंटर पर या ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इस तरह से अदर देन डोमेस्टिक या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।